कभी कभी कई क्वेश्चंस फोर्स के आते हैं जिसके अंदर लिक्विड के ऊपर फोर्स या गैस के ऊपर, गैसेस लिक्विड्स इनके ऊपर फोर्सेस को निकालना होता है। हमने अभी तक सॉलिड के ऊपर ही किया, स्ट्रिंग मास सब सॉलिड है, तो इसमें लिक्विड्स है, तो लिक्विड या गैसेस है। तो ध्यान से देखो एक क्वेश्चन, सपोज करो क्वेश्चन में गिवन है एक बैलून है, इस बैलून के नीचे से हवा निकल रही है, बैलून ऊपर उड़ेगा, एक्शन रिएक्शन। तो हवा जो निकल रही है, जो गैस निकल रही है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से निकल रही है, विद 5 मीटर पर सेकेंड, चेंज नहीं हो रही, वी कांस्टेंट है। और गैस कितनी निकल रही है, 10 kg गैस निकलती है 1 सेकेंड में, तो यानी कि क्या गिवन है, मास जो कमिंग आउट पर सेकेंड। क्वेश्चन है बैलून पे फोर्स बोलो क्या लगेगी। अब कई लोग कहेंगे बैलून पे फोर्स है, फोर्स हमेशा मास इनटू एक्सीलरेशन होती है ना। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है जो फोर्स होती है वो डीपी बाय डीटी होती है। आपको क्या उसमें क्या फर्क है? फर्क है क्योंकि जब आप एफ इज एम ए लगाते हो ना, वो डेरिवेशन कैसे निकलती है, वो ऐसे निकलती है, वो ऐसे निकलती है कि डी बाय डी टी ऑफ पी को क्या लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। आप बोलते हैं मास तो हमेशा ही कॉन्स्टेंट है, डीवी बाई डी टी क्या होती है, एक्सेलरेशन। आंसर सही बोलते हो, पर प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन के अंदर सॉलिड थोड़ी ना है, गैस निकल रही है, कार ट्रक प्लेन ये सब सॉलिड है, तो मास हमेशा कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट नहीं है, इसमें मास टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज। तो आप स्टार्ट तो यहीं से करेंगे, पी की जगह एम इनटू वी ही पुट करेंगे, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन में मास बाहर निकलता है, डीवी बाई डी टी गिवन होता है, इस क्वेश्चन में मास चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है गैस की, तो गैस की वेलोसिटी कांस्टेंट बाहर आ गई, क्या बचा, डी एम बाई डी टी। अब क्वेश्चन में वेलोसिटी गैस की कितनी है, 5, और मास अमाउंट अपॉन टाइम कितना गिवन है, 10 kg पर सेकेंड, तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास 50 न्यूटन आंसर आएगा। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ गैसेस और लिक्विड में लगता है, क्योंकि जब लिक्विड बाहर निकलता है, मेंस्ट्रुएशन में डिस्कस किया होगा, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है ना, तो मास फ्लोइंग पर सेकेंड, वो कभी नहीं बोलता मास, कभी नहीं बोलता वॉल्यूम, पर सेकेंड साथ में रेट बोलता है। तो समझ में आ रहा है यहां तक, तो आपको जब न्यूमेरिकल आएगा इसके बेस पे तो क्या करना है, समझ में आ रहा है, गैस या लिक्विड में वेलोसिटी को कांस्टेंट लेना है, डीएम बाई डी टी गिवन होगा। मिलता जुलता क्वेश्चन ये भी आपकी किताब में गिवन होगा, असाइनमेंट जो होमवर्क दूंगा मैं आपको, एक पाइप है, एक पाइप है, ये एक पाइप है, और इस पाइप का ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, पाइप में से लिक्विड बाहर निकल रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी और दीवार को हिट कर रहा है। क्वेश्चन है कि डेंसिटी लिक्विड की रो है, कितनी फोर्स से दीवार को हिट किया, ये क्वेश्चन बताओ, फोर्स बताओ कितनी वेलोसिटी से हिट किया और कितनी फोर्स से हिट किया। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले अपनी फॉर्मूला बुकलेट ओपन करें, उसके अंदर एक फॉर्मूला नोट करें, ये भूल जाते हैं इसलिए नोट करवा रहा हूं। तो इसके अंदर क्या करना है आपने, कि सपोज करो ये आपने आपके सामने कोई सिलेंडर है, ट्यूब है, ये ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो सपोज क्रॉस सेक्शन इस ट्यूब का कितना है, ए है, और लिक्विड बाहर आ रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वी। तो अगर मैं ये कहूं कि कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है पर सेकेंड, वॉल्यूम पर सेकेंड, वॉल्यूम पर सेकेंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो आपका आंसर होगा एरिया इनटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला नोट करें, कितना लिक्विड बाहर आता है 1 सेकेंड में, कैसे करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी। ऐसा करके देख लें, एरिया का मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो क्या बना, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो पहला फॉर्मूला याद करें, कभी भी लिक्विड पाइप में से बाहर आएगा और वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड निकालना है तो कैसे निकलेगा, एरिया इंटू वेलोसिटी, कोई डाउट इसमें। और उसी तरीके से अगर मैं ये पूछूं कितना मास बाहर आ रहा है पर सेकेंड, तो मास का मतलब क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय सेकेंड। और वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी, तो ये भी साथ में लिख सकते हो, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी, दिस इज मास फ्लोइंग पर सेकेंड। क्लियर है, लिख लें प्लीज।
जी ठीक है यहां तक। अब क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि सपोज यहां पर एक वॉल है, वॉल के ऊपर क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है, कितनी फोर्स है वॉल के ऊपर। तो आप इसमें क्या करेंगे, वॉल की फोर्स के लिए फोर्स लगाएं डीपी बाय डीटी या फिर डी बाय डीटी ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। लिक्विड बाहर निकलता है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो क्या निकले बचेगा, डीएम बाय डीटी। अब डीएम बाय डीटी में मास फ्लोइंग पर सेकंड का फॉर्मूला क्या है, ये रहा, ये क्या निकाला हमने, मास फ्लोइंग पर सेकंड। तो यहां पुट कर दें तो वेलोसिटी वी इंटू मास फ्लोइंग पर सेकंड क्या है, ए इंटू वी इंटू रो, तो ए इंटू वी स्क्वायर इंटू रो इज द आंसर। आंसर अब यही क्वेश्चन असाइनमेंट में आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में दिया होगा आपके होमवर्क में, तो जिसमें आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वैल्यू वेलोसिटी डेंसिटी, तो प्लीज फॉर्मूला मत याद करना, कॉन्सेप्ट लगाना और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। समझ में आ रहा है कैसे करना है, कोई डाउट इसमें?